हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टैली प्राइम का है और टैली प्राइम के इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर के बारे में और एक और होता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, इसको लेकर के कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, तो इसको लेकर के आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, कंपनी बनानी है। देखिए मेरे पास एक पहले से कंपनी है लेकिन इस कंपनी को हम लेने वाले नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें F3 बटन प्रेस करना होगा और चलना होगा कहाँ, कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पर। तो ये देखिए कंपनी क्रिएशन पर F3 प्रेस करके हम आ गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप इस कंपनी को एडिट करना चाहते हैं। अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप अल्टर कंपनी पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये देखिए एडिट मोड में ये आ जाएगा। फिलहाल हमें एडिट नहीं करना, ठीक है, हम बाहर आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम नई कंपनी बनाने वाले हैं। तो यहां से आप नई कंपनी बना सकते हैं और यहां पर सेलेक्ट कंपनी दिया हुआ है तो आप कंपनी को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे या फिर यहां पर आप जाकर के और एंटर प्रेस कर देंगे। नेविगेशन की से आप जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपको बहुत सारी कंपनियां इसमें नजर आएंगी लाइक दिस, देखिए। तो अभी हमको नई कंपनी बनानी है तो हम डायरेक्टली F3 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और आ जाते हैं सीधा कहां पे, क्रिएट कंपनी पर। तो क्रिएट कंपनी पर हम आ चुके हैं। अब यहां पर एक नया फॉर्म खुल जाता है, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होगी और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी मैं बना लेता हूं द शाइन इन कंप्यूटर, इसके नाम से एक कंपनी हमने बना ली और अब एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर मेलिंग नेम सेम रहेगा और यहां पे एड्रेस जो भी है आपका वो डाल दीजिए। तो यहां पे एक एड्रेस हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस डाल दिया हमने, एंटर प्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर आपको स्टेट चूज करना होता है। तो यहां पर स्टेट चूज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, जो बिगिनर होते हैं वो स्टेट नहीं चूज करते, डायरेक्टली आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप स्टेट जरूर चूज करें। तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, हम चूज कर लेते हैं। यहां पर आएंगे तो पिन कोड आपको डालना होगा, तो ये पिन कोड आप डाल दीजिए, इस तरह से डाल दिया। यहां पर आकर के फिर ये करेंसी सिंबल है, इंडियन करेंसी सिंबल है, तो आप जिस भी कंट्री के हो उस कंट्री का करेंसी सिंबल रख सकते हैं। यहां पर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है, तो वो होता है 1 अप्रैल से, सन चाहे जो भी हो, ईयर चाहे जो भी हो, लेकिन शुरुआत हमेशा 1 अप्रैल से ही होती है। तो यहां पे 1/4/2020 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन कमेंट जो आया था मेरे को इसी कंफ्यूजन को लेकर के, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो ये गलत नहीं है कि आपका काम कब से शुरू होता है, ये चीज आपको डालनी है। यहां पे फाइनेंशियल ईयर से कोई मतलब ही नहीं भाई, फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है, लेकिन आपका काम, आपका वर्क कब से शुरू हो रहा है, आपकी कंपनी का काम कब से शुरू हो रहा है, वो डेट यहां पर आएगी, ठीक है। इसमें अगर आप डिफरेंस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपका काम 1 मई से शुरू हो रहा हो या 2 अप्रैल से शुरू हो रहा हो, तो वो चीज यहां पे आएगी। तो इस बात में कोई कंफ्यूज कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पे जो है फाइनेंशियल ईयर जो है ऊपर वाला है, ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ही एंड होगा, लेकिन काम आपका कब से शुरू होगा वो चीज यहां पर आएगी। तो काम हमारा शुरू हो रहा है 2 मई से, तो यहां पे 2/5/2020 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे काम शुरू होने का डेट। अब एंटर प्रेस करते हुए इसे करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। अब आपको जो भी एंट्री पास करनी है आप इजिली पास कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या एक्टिवेट करना है वो देख लीजिए। जैसे अगर आप जीएसटी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां पे जाकर के और यहां से जीएसटी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और भी तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे इन्वेंट्री के फीचर्स में अगर आ जाते हैं यहां पे, तो यहां पे इन्वेंट्री का फीचर दिया हुआ है। इसके अलावा कॉस्ट सेंटर एक ऑप्शन, जो कि टैली ERP 9 में मैंने काफी बेहतरीन तरीके से बताया है कि कॉस्ट सेंटर का क्या उपयोग हम कर सकते हैं, तो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन भी चालू कर सकते हैं। और फिर डिस्काउंट अगर दिखाना चाहते हैं इनवॉइस पे, तो वो सारी चीजें यहाँ से सारी चीजें हो जाएंगी। इन्वेंट्री की सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी और टैक्सेशन वाली सारी चीजें यहाँ से होंगी। अगर आप पेरोल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसा कि एक दिन मुझे कॉल भी आई थी पेरोल को एक्टिवेट करने को लेके, तो यहां से पेरोल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे वाई प्रेस कीजिएगा तो पेरोल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इनेबल पेरोल स्टेटस, ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी। अभी ये टॉपिक पेरोल को एक्टिवेट करने का नहीं है, तो अभी इसको मैं रहने देता हूं और यहां से हम जीएसटी को पहले एक्टिवेट करते हैं। तो ये आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जीएसटी की डिटेल आपको फिल करनी है, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तरह से ये जीएसटी
अप्लाई हो गया, ठीक है, और हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई। और अब पहली एंट्री जब भी हम पास करेंगे तो आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि ये वाली चीज क्यों लिखी जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।